अभी हम काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, इसको बोलते हैं क्रेमर रूल, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल के द्वारा किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका, जिसमें टू वेरिएबल्स के भी हो सकते हैं, थ्री वेरिएबल्स के भी, फोर वेरिएबल एंड सो ऑन, लेकिन अप टू थ्री वेरिएबल्स ही एक लिमिट रहता है, वो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो मैं सबसे पहले एक टेंथ क्लास के अकॉर्डिंग आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमारे पास है ये, इसको नंबर वन डाल देते हैं, इसको नंबर टू। तो अगर आप बाई वन देखेंगे तो मैं एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, कितना सी वन माइनस बी वन बाई अपन कितना ए वन, और इसको वैल्यू में पुट कर रहा हूँ किसमें, इन टू में। तो जैसे आप इसको टू में पुट करेंगे तो ए टू ये कितना आएगा, सी वन माइनस बी वन बाई अपॉन कितना ए वन प्लस बी टू बाई इक्वल टू कितना सी टू। तो ये आपका आ जाएगा ए टू सी वन माइनस ए टू बी वन बाई प्लस ए वन बी टू बाई इक्वल टू कितना ए वन सी टू। आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन वाई इक्वल टू ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। अभी आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा ये ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन और अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। आई एम श्योर अगर आपको ध्यान होगा तो मैं इसको क्या मैट्रिक डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि ए वन ए टू और सी वन सी टू। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये है ए वन ए टू बी वन और बी टू। अगर मान लीजिए मैं डिटर्मिनेंट बनाता किसका, एक्स बाई के कोफिशेंट का, तो क्या था ए वन ए टू बी वन बी टू, तो हमें एग्जैक्टली ये दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आपने जब y का वैल्यू फाइंड किया है तो इस b1 b2 को किससे रिप्लेस कर दिया, c1 c2 से, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं RHS की उनसे। तो ऐसे ही अगर आप सिमिलरली देखेंगे, सिमिलरली आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर x का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, c1 c2 और b1 b2 और अपॉन a1 a2 b1 b2। ठीक है, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं सी वन सी टू, वो जो वेक्टर है उसने किसको रिप्लेस कर दिया, ए वन और ई टू का, ऐसा फील हमको आएगा। तो देयरफॉर अगर मान लीजिए आपके पास थ्री क्रॉस थ्री का सिस्टम है, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड इक्वल टू डी वन एंड ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड इक्वल टू डी टू और ये है ए थ्री एक्स b3 थ्री बाई सी थ्री जेड इक्वल टू कितना d3। तो इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें इसको, तो हम देख पा रहे होंगे कि d का मीन्स हो जाएगा, d का मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशेंट्स ऑफ x by z। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब जब d1 फाइंड आउट करेंगे तो इसका हम यूज़ करेंगे x फाइंड करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो ये जो x का वेक्टर था वो रिप्लेस कैसे होगा कांस्टेंट से, तो d1 d2 d3 इसको आप जैसे मैंने नंबर वन को सॉल्व किया है टू क्रॉस टू के लिए, थ्री क्रॉस थ्री के लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देर इज़ नो नीड ऑफ सच थिंग। और d2 आपका आएगा, d2 में क्या रिप्लेस होगा, ये भी वेक्टर रिप्लेस हो जाएगा, तो a1 a2 a3 d1 d2, d3, c1, c2 एंड c3। और हमारा d3 कितना आ जाएगा, d3 आ जाएगा a1, a2, a3, b1, b2, b3 और d1, d2 एंड d3, ये आ जाएगा। इस तरह से हम x by z का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्रेमर रूल से। तो क्रेमर रूल से x by z कितने कैसे फाइंड कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू डी वन अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी टू अपॉन डी और जेड इक्वल टू डी थ्री अपॉन डी, ये फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ नाउ सम स्पेशल केसेस वी आर सीइंग, स्पेशल केसेस, व्हाट इज स्पेशल केसेस। तो इन टेंथ क्लास वी हैव सीन कि जैसे मान लो हमारे पास, मैं एक सिंपल फॉर्मेट से एक अपर फॉर्मेट पे जाने की कोशिश करता हूँ हमेशा,
तो देखिए आपने पढ़ रखा है कि सिंस हम बी नो कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, देन वॉट, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है सिस्टम का, यानी अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमको मिल रहा है कि ए वन बी टू नॉट इक्वल टू ए टू बी वन, इज इट, यहाँ से हमको मिल रहा है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए वन ए टू बी वन बी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ये तो हमारा क्रैमर रूल से ऐसा लग रहा है कि डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करिए 2x2 का या 3x3 का अगर आपको सिस्टम दे रखा है और उसमें मैं प्रूफ कर दूँ कि इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इट इम्प्लाइज कि सिस्टम हैज इसमें आईआईटी में सवाल इसी से बनता है आपका, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नंबर सेकंड आपने पढ़ रखा है कि इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट दे बोथ आर नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है। मीन्स इसको अगर मैं अलग अलग करने की कोशिश करूं तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू एंड बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है। तो आप यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहां से आपको क्या मिलने वाला है इन दोनों से क्या मिलने वाला है, इसको भी कह देते हैं ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ओके, ये तो इसके इक्वल हैं बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो ये दोनों इसके इक्वल हो सकते हैं बट ये इसके इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ से आपका जो इससे अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इससे आप क्या देख पा रहे हो कि ए वन सी टू इज नॉट इक्वल टू ए टू सी वन, बी वन सी टू इज नॉट इक्वल टू बी टू सी वन एंड ए वन बी टू इज इक्वल टू ए टू बी वन। तो यहाँ से आप इसको इधर ले आओ तो ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज इक्वल टू जीरो। ये तो आपका किसके इक्वल है, ये आपका था किसके डेल्टा टू के इक्वल, यानी डी टू के इक्वल था, तो डी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, डी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ये डी वन के इक्वल था इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि d इज इक्वल टू जीरो है बट d1 वन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड d2 टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा इस केस में आप क्या कहते थे, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यानी सिस्टम के पास कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि इस केस में अगर आप देखते तो जो लाइनें थी वो कैसी होती थी, पैरेलल होती थी, ठीक है, यानी दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एनीवेयर और कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। नंबर थर्ड आपने पढ़ रखा है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, यानी इस केस में जब हम लाइन्स का ग्राफ बनाते थे तो लाइन्स क्या है, ओवरलेप कर जाती हैं तो जो भी पॉइंट फर्स्ट लाइन पे होगा वो सेकंड पे भी होगा। तो इस तरह से आपको कितने सॉल्यूशंस मिलते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते थे। तो मैं अगर इनको अलग अलग कर देता हूँ तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू और ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू और बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से आपको मिलेगा ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन इक्वल टू ज़ीरो, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू ज़ीरो, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन,
ये आपको किसके इक्वल है, डेल्टा के या डी के, कैपिटल डी इक्वल टू जीरो, कैपिटल डी इक्वल टू जीरो। और ये हमारा किसके इक्वल था, ये हमारा था किसके इक्वल था, सी, और इसका रिलेशन किसके था, डी टू के इक्वल था। तो ये हमारा है डी टू इक्वल टू जीरो और ये डी वन इक्वल टू जीरो। तो ओवरऑल व्हाट वी कैन से कि डी वन इक्वल टू जीरो, डी टू इक्वल टू जीरो एंड डी वन इक्वल टू जीरो, डी टू इक्वल टू जीरो एंड डी इज इक्वल टू जीरो। देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, तो सिमिलरली फॉर सिस्टम ऑफ थ्री वेरिएबल एंड थ्री इक्वेशंस, ठीक है, क्या आएगा, डी वन आएगा एक्स इक्वल टू डी वन अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी टू अपॉन डी और जेड इक्वल टू डी थ्री अपॉन डी। तो नंबर फर्स्ट, इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन सिस्टम हैज, जिसको सिस्टम बोलते हैं, जो इक्वेशंस हमारे पास तीनों होते हैं, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नंबर सेकंड, इफ डी इज इक्वल टू जीरो बट डी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिस्टम का क्या होता है, नो सॉल्यूशन, इस केस में नो सॉल्यूशन। नंबर थर्ड, कोई हल नहीं होगा। नंबर थर्ड, इफ डी वन जीरो, समटाइम्स डेल्टा वन भी बोल देते हैं इसको कुछ बुक्स में, डी टू डी थ्री इक्वल टू जीरो एंड डी इज इक्वल टू जीरो, सिस्टम हाउ मैनी सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, देखिए अभी क्या है, इसको एक नेम से और बोलते हैं, इफ सिस्टम हैज यूनिक और इनफाइनाइट, ठीक है, आईआईटी में सवाल आपका यहीं से बनता है, इसी टॉपिक में से, इफ सिस्टम हैज यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन इट इज नोन एज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, और नेक्स्ट है, इफ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन देन इट इज नोन एज इनकंसिस्टेंट सिस्टम या सॉल्यूशन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये बोल देते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में सवाल आपका इसमें से मोस्टली बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं,